हे गाइस, कैसे हो? आई एम डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर सर। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। यू नो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द सब्स्टिट्यूशन इज ऑन द बेंजीन रिंग एंड NH2 ग्रुप इन अमाइंस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। व्हेन वी डिस्कस सल्फोनेशंस ऑफ अमाइंस, देयर इज अटैक ऑफ electrophiles, that is electrophile here is SO3H, and SO3H will attack, it should attack on ortho and para positions, but what happened in the reaction C? So first of all, ये aniline हम ले रहे हैं और इसमें concentrated sulfuric acid डाल रहे हैं और aniline में जो nitrogen है aniline का, ये अपने lone pair की मदद से sulfuric acid का H snatch कर लेता है और फिर बन जाता है NH3HSO4, HSO4 inactive और H positive। इसको हम पढ़ते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये मेन प्रोडक्ट बनता है हमारा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और उसके बाद 453 से 473 केल्विन पर टेम्परेचर दीजिए, हीट करिए इसको, इसमें से वाटर रिमूव हो जाएगा और आगे जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा सल्फिनिलिक एसिड और SO3H जो है वो अटैक करेगा यहाँ पर पैरा पोजिशन के ऊपर। एक तो आपने ये देखा कि सर आप तो कह रहे हैं कि एनिलीन का हाइड्रोजन जो है ये अटैक कर रहा है हाइड्रोजन को, एनिलीन का नाइट्रोजन अपने साथ ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये रिएक्शन मेटा पोजीशन पे निकले पाए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक पैरा पोजीशन पे कर रहा है, NCERT की बुक में खुद ही इसको क्वेश्चन बना के रख दिया गया है, इसको क्लैरिटी नहीं है, हर ऑथर अपने हिसाब से कहता है। इस चीज को समझाने के लिए मैं यहां बताता हूं आपको। देखिए यहां पर ये सल्फ्यूरिक एसिड के दो यूनिट लिए गए हैं, ये पहला और ये दूसरा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं HOSO3H। ये पहले का लोन पेयर ऑक्सीजन का पहले के ऊपर ये H को खींचेगा अपन तरफ, और उसके बाद जो बाकी बचा OSO3 माइनस हो जाएगा यहां से, और ये जो बचा ये HO और ये H, HOH ये बन जाएगा, और इसकी अगली बॉन्ड SO3H के साथ ये वाला, यानी कि ये H इधर आ जाएगा तो ये बनेगा, और उसके बाद ये लोन पेयर ये इलेक्ट्रॉन जो है O और SO3H के बीच में जो बांड का इलेक्ट्रॉन है ये O ले लेगा अपने पास, O का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, वाटर मूव हो जाएगा, SO3H ये इलेक्ट्रोपाइल जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोपाइल जो जनरेट हुआ उसने अटैक करना है पैरा पोजिशन के ऊपर। अब अगर यहाँ ये H लेता तो अटैक जो होना चाहिए मेटा के ऊपर होना चाहिए, तो फिर इसका पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि देखिए एनिलीन है, हमने मैकेनिज्म क्या रिएक्शन का, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप बाई एसिटाइलेशन, तो इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हमने यहाँ पर, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हो आप, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये, हम इसके बदले एसिटाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, और उसका यहां से जब इलेक्ट्रॉन अटैक हो गया तो हमें मिला Ci3CO, और Ci3CO यहां पर अटैक हो गया, वो कैसे? रेजोनेंस के कारण। ये N के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन C पर अटैक करते गए, C और O की बांड पोलर है, जैसे ये अटैक यहां कर रहे हैं तो ये रेजोनेंस शुरू हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर को चले जाते हैं ओके ऊपर, और जैसे ये इसने अटैच किया तो ये और इधर से ये सी और ओ की बॉन्ड ब्रेक होती है, इलेक्ट्रॉन ओ के साथ चले जाते हैं और ये बैक बॉन्डिंग हो जाती है ओ और सी के साथ, और हमें ये मिलता है पहला प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एसिटेनलाइड। और उसके बाद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो उसमें से SO3H जो है उसने अटैक कर दिया पैरा पोजिशन के ऊपर, पैरा पोजिशन को अटैक किया, और उसके बाद क्या होता है, फिर इसमें हम डालते हैं हाइड्रोजन एसिड डालेंगे, और एसिड से क्या मिलेगा, ये उपला एसिड डाली या बेस डालिए HROH नेगेटिव, होगा क्या उससे, यहां से CH3COOH, ये CH3CO और ये OH रिमूव हो जाएगा, और बाकी क्या बचा NH के साथ जो ये H है वो इसके साथ लगेगा एनिलीन, इस कंपाउंड का नाम बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और पैरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जब ये रीअरेंजमेंट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस एच को अपने तरफ ले जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ज्यूटेरॉन, फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटेरॉन। बच्चों ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है, अगर आपको मैकेनिज्म की समझ होगी रिएक्शन इजिली समझ आ जाएगी, तो इसके कारण अब आप बोलोगे सर एसिटाइलेशन का क्या जरूरत पड़ी, हमें एसिटेशन हुई है क्या जरूरत पड़ी इसकी, इसकी ये जरूरत पड़ी कि हमने ये इलेक्ट्रॉन को एंगेज कर दिया, रिंग को एक्टिवेट नहीं होने दिया, ताकि अटैक पैरा पर नहीं हो, अटैक मेटा पर नहीं हो, ऑर्थो पर नहीं हो, अटैक सीधा सीधा पैरा पोजीशन के ऊपर हो, तो
यहाँ यही हुआ है, ऊपर देखिए जैसे ही हमने एनिलीन लिया, सल्फ्यूरिक एसिड एच लिया, एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट बना और उसको हीट किया 453 to 473 केल्विन पर, वाटर रिमूव हुआ और उसके बाद ये बना सल्फिनिलिक एसिड जो मेन प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है जिसका नाम पैराबेंजीन सल्फोनिक एसिड भी है। और उसके बाद रीअरेंजमेंट से हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एन ने एच अपन तरफ खींच लिया और नीचे रेड के ऊपर, दिस इज कॉल्ड ज़ीट्रायन। इस तरह से सल्फोनेशन की रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमाइंस, यानी कि एनिलीन के साथ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करना, और सल्फ्यूरिक एसिड भी कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे क्या होता है कि SO3H ग्रुप जो है पैरा पोजीशन पर अटैक कर जाता है, और पैरा पोजीशन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना और ज़ीट्रायन का बनना या तो सल्फिनिलिक एसिड का बनना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ अमाइंस और सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन्स। तो ये बच्चों अच्छी तरह से करिए इस रिएक्शन को, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक बात ध्यान रखिए कि इसमें देखिए मैकेनिज्म जो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के दो यूनिट लिए गए, लेकिन जब आपने पेपर में देनी है रिएक्शन तो ये सफिशियंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन पेपर में इतनी देनी है आपने पेपर लिखी हुई है। तो बच्चों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि चैनल को भाई सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और तभी आपको फ्री कोचिंग मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, और लाइक बटन पर भी प्रेस करिए।